और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल की मेन बिल्डिंग की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं दिया तो लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, तो यार देखो आज संडे है, तो आज शाम को 4 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर मैं टीम कोड्स दूंगा। अगर टीम कोड्स का ग्लिच नहीं हुआ तो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ टीम कोड्स का कुछ ग्लिच चल रहा है, तो अगर ग्लिच नहीं हुआ तो वो टीम कोड्स दे दूंगा। आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, जब भी आप क्लासरूम में होते हो तो आपको सामने से दिख रहा है गाड़ी आ रही है। यहाँ पे मेरे केस में तो एक ही बंदा है, मगर जब आपके केस में ज़्यादा बंदे हो तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है, और पीछे जाने के बाद इस विंडो से कूद के अपना जो मूविंग एनालॉग होता है पीछे खींचना है। अब आप जब पीछे खींचोगे तो आपका जो ये कैरेक्टर है इस विंडो नीचे वाली विंडो के ऊपर खड़ा हो जाएगा और आप कुछ यहाँ पे होगा। जैसा बंदा आगे जाता है आपको सिंपली बाहर निकल के उसको इजिली ठोक देना है। अब ये जो ट्रिक है बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि यार कोई भी बंदा पीछे के साइड नहीं देखता और आप यहाँ से आराम से नीचे वाले फ्लोर की विंडो के ऊपर बैठ सकते हो, और जब ऊपर आए तब आराम से चढ़ के उसको मार भी सकते हो। ये बहुत काम की रहती है। अब ये ट्रिक पिछली वाली ट्रिक से मिलती जुलती है। फर्स्ट फ्लोर को कोई भी रूम ले लो, उससे अगर आप नीचे कूदते हो और अपना मूविंग एनालॉग पीछे की साइड लेते हो तो आपका जो कैरेक्टर है वो ग्राउंड फ्लोर वाली विंडो के ऊपर चढ़ जाएगा। और ये ट्रिक बहुत यूजफुल रहती है जब भी आप इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते हो और बंदे आप पे पुश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और सीमें से ट्रिक दिखाता हूँ। अगर बंदे क्लासरूम से ऊपर आ रहे हैं और आपको बंदा सामने वाले रूम में देखता है, आप इधर से अगर आपको एंगल नहीं मिलता है कवर में चला जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये जो रेलिंग दिख रही है इस पर एक बार जंप करना है और आप जो है आराम से इधर आ जाओगे। इधर से आपको एक बार जंप करना है, और अगर आपको बाहर एनिमी दिखता है तो बाहर निकल के उसको एकदम आराम से मार देना। भाई एनिमी कहीं जाने वाला है नहीं दूर, अगर आप इस रूम में उसको देखते हो। ये ट्रिक बहुत सिंपल है, सिंपली एक दो जंप लगाने आप उधर पहुंच जाओगे। अब जो तीसरी ट्रिक है वो, अगर आप ऊपर चढ़ते हो और आपको सामने वाले रूम में बंदा दिखता है तो आपको क्या करना है। ये रूम सबसे बेस्ट रूम है पूरे स्कूल में, तो आपको अपने आगे वाले रूम में जाना है और इधर से आपको जो सामने बालकनी टाइप दिख रहा है, बालकनी नहीं एक टाइप से ज़मीन, उधर जाना है और बाद में आप इसके एकदम पीछे से अटैक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको नॉक कर दिया, लेकिन इसको अटैक करने से पहले रूम पूरा चेक कर लेना, क्योंकि इधर साइड में कोई बंदा अगर बैठा होगा तो वो आपको आराम से मार देगा। ये ट्रिक बहुत यूजफुल रहती है क्योंकि ज़्यादातर बंदे इसी रूम में कैंप करते हैं। अब जो अगली ट्रिक है वो भी इससे मिलती जुलती है। आपको जो है अगर दिख रहा है छत पे बंदे और आप ऐसे पुश नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास TPP एडवांटेज है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले रूम में जाना है, उधर से वो बालकनी कह लो, दीवार कह लो, जो कह लो उधर जाना है और इधर से ऊपर देखना है। भाई डोंट नो ये मोबाइल में दिखता है नहीं दिखता, मैं आईपैड में कर रहा हूँ तो मुझे तो बंदा दिख रहा है, मगर मैं उसे मार नहीं सकता कूद के, क्योंकि भाई गोली इतनी ऊपर नहीं जाएगी। तो आराम से नेट करो और उसको एकदम आराम से निपटा दो। अब इधर आने के बाद आप पूरे के पूरे छत को स्काउट कर सकते हो, पूरे के पूरे छत पर आप देख सकते हो कौन सा बंदा कहाँ है। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं स्कूल में सामने वाले क्लासरूम से पुश करते, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे खड़ा रहना है, क्योंकि इधर जो आप राइट से भी कवर में हो, आगे से भी कवर में हो, पीछे से भी कवर में हो, तो आपको इधर जो कहीं पे भी गोली नहीं पड़ सकती और इधर नेट भी नहीं आ सकता। तो अगर क्लासरूम में से पुश हो रहा है तो सिंपली इधर खड़े रहो, और अगर आपको लगता है बंदा आ रहा है तो पीछे वाले स्टूल पर आओ, स्टूल पर खड़े रहने के बाद सिंपली उस पर इधर से फायर कर दो। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल रहती है क्योंकि ज़्यादातर लोग अंधों की तरह, लिटरली अंधों की तरह ये जो रैंप दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, तो आप सिंपली स्टूल के ऊपर आओ और इधर से फायरिंग शुरू कर दो। जैसे बंदे जाते टपाटप निपटाते जाओ। अब जो अगली ट्रिक है उसमें थोड़ा रिस्क भी है। अगर आपको पता चलता है सामने वाले स्विमिंग पूल बिल्डिंग में बंदे हैं तो आपको क्या करना है, इधर आना है, इधर के आने के बाद आपको जंप एंड क्राउच दबाना है, जंप एंड क्राउच दबाना है, तो आप कुछ इस मैनर में बैठ जाओगे। अब जब आप इधर बैठते हो तो आपको हल्का सा, एकदम हल्का सा हाथ एक्सपोज होता है, मगर आप सामने की पूरी बिल्डिंग को स्काउट कर सकते हो। आपको सेकंड फ्लोर भी दिखेगा, थर्ड फ्लोर भी दिखेगा, और जो डाइविंग का पार्ट है वो भी दिख सकता है। अगर आपको इधर सामने बंदा दिखता है तो आप सिंपली नेट डाल के उसे नॉक भी कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे नेट डाल के दिखा दिया। अब सपोज जो बंदे होते हैं सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जा रहे हैं सीढ़ियों पे, तो आपको अगर दिखते हो तो आप एकदम इजीली इधर से उनको भर भी सकते हो। लेकिन आई रिकमेंड 3x ऐसा कोई स्कोप हो तो ही इधर बैठो, ताकि एकदम ईजिली एक्यूरेटली मार सको। फिलहाल इसको तो एकदम ईजिली निपटा दिया, और ये ट्रिक बहुत यूजफुल रहती है जब सामने वाले बिल्डिंग में बंदे होते हैं। अब अपने सामने वाले बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता चलता है कि गाड़ी जो है सामने वाले जो ब्रोकन वाले उधर ठुकी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो डाइविंग का पार्ट दिख रहा है, डाइविंग ही कह लो यार, ऊपर से छलांग लगाना, इधर आना है। अब इधर आने के बाद आपको क्या करना है, देखो पूरी की पूरी ब्रोकन वॉल इधर से आपको स्काउट हो रही है, लेकिन बंदा नहीं दिख रहा, तो आपको सिंपली ऊपर चढ़ने के बाद इधर कूदना है। अब जैसे आप इधर कूदते हो सिंपली पीक लो और इसे मार दो। बहुत ओपी ट्रिक है ये,
जब भी यार इधर से पुश होता है और मैं स्विमिंग पूल में होता हूँ, मैं ये ट्रिक का यूज़ करता हूँ। सिंपली इसके ऊपर आओ और आराम से सामने वाले रॉड्स पे कूद जाओ, और इधर आने के बाद आराम से पीक लेके बंदों को निपटा दो, बंदे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। मैं आपको एक और ट्रिक दिखा दूँ, अगर जो बंदे इस वाले ब्रोकन वॉल पे नहीं गाड़ी ठोकते और इसके थोड़े साइड वाले ब्रोकन वॉल पे गाड़ी ठोकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको इधर आना है और इधर से नीचे कूद जाना है। अब आप इधर से जैसा नीचे कूदते हो, देखो आपको सामने का पूरा व्यू मिल जाएगा। अगर कोई बंदा आता है इस ब्रोकन वॉल पे, तो आप उधर उसको एकदम ईजिली इधर से मार सकते हो। बहुत ओपी ट्रिक है, बहुत काम की ट्रिक भी है ये। स्विमिंग पूल वाला बिल्डिंग बहुत यूजफुल है। अगर आपको पता चल जाए स्विमिंग पूल वाले बिल्डिंग में बंदे, तो आपको क्या करना है, स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पे आना और इस रूम में आना है। अभी इस रूम में आने के बाद आपको इधर तीन चार छेद दिखेंगे, ठीक है। इन छेद में से आपको सामने वाले जो स्विमिंग पूल वाला बिल्डिंग है उसके विंडो में एकदम इजीली एम मिल सकता है, और जैसा बंदा उधर आता है आप उसको एकदम इजीली मार सकते हो। इन छेद में से आप सामने की चारों चार विंडोज पे एकदम इजीली एम ले सकते हो। अगर कोई बंदा बाहर आता है मतलब स्कूल पे फायर करने के लिए, तो आप उसको नीचे से एकदम इजीली मार सकते हो। बहुत ओपी ट्रिक है, बहुत एकदम सीक्रेट, इतना सा होल, इतना सा, उसमें से आप एकदम इजीली मार सकते हो। मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूँगा, अगर आप छत पे हो, अगर आपको दरवाजे पे टीपी भी नहीं लेना, तो ये जो स्पॉट एकदम बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इधर से आपको सामने वाले पाँच जो विंडो दिख रहे हैं, इन पाँचों पाँच पे एकदम इजीली एम ले सकते हो, स्काउट कर सकते हो विदाउट एक्सपोजिंग, और साथ ही साथ सामने जो बास्केटबॉल के कोर्ट के ऊपर दरवाजा है उधर भी आपको एम मिलेगा। और प्लस अगर आप इधर बैठते हो और कोई बंदा छत पे आ जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी दरवाजे में आता है, मेज से आता है, तो आप उसको एकदम इजीली मार सकते हो। सॉरी यार थोड़ा गलत बोल गया, दोनों दरवाजे में से किसी एक में से भी आता है, एकदम इजीली आप उसको मार सकते हो। तो यार अगर आप स्विमिंग पूल में और आप पे चार बंदे पुश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टॉप फ्लोर पे आना है और टॉप फ्लोर की जो विंडो है इधर से कूद जाना है। आप सिंपली ये जो सेट दिख रहा है इसके ऊपर आ जाकर इधर लेट जाना। भाई देखो इधर जो थोड़ा खतरा है स्कूल वालों से, मगर अगर चारों के चारों बंदे आपके स्विमिंग पूल में घुस जाते, तो आप इधर एकदम सेफ रह सकते हो कुछ टाइम के लिए, मगर एंड में तो भाई दिखे जाओगे। और आप इधर से बंदों को भी मार सकते हो जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। नो ये ट्रिक बहुत लोगों ने बता दी, मगर बहुत अच्छी ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको बताई है। अब जो अगली ट्रिक है भाई, ये कैंपर्स के लिए, पहले ही बता दूँ कैंपर्स या रैंक पुशर्स के लिए, आपको सिंपली एकदम बैक साइड ऑफ स्कूल आना है और ये जो सीढ़ी दिख रही है इसके नीचे आके बैठ जाना है। भाई ये जो सीढ़ी है बैक साइड ऑफ स्कूल, रेयरली बंदे आते हैं, और अगर कोई आता भी है तो भाई इसके ऊपर सब फटाफट चढ़ जाते हैं, मतलब कोई रुकता नहीं है इधर, ठीक है। तो आप इधर होल्ड कर सकते हो, और अगर कोई बंदा आपको दिख रहा है जो इधर ही मतलब लूट रहा है, तो एकदम ईजिली उसको मार। अब ये जो ट्रिक है ये होल्डर्स कैंपर्स कह लो उनके लिए, मगर ये जो ट्रिक है इससे मैं कम से कम 50 बार मरा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो है गाड़ी इधर ठोकते हैं और इधर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं और इधर से सीधा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉल्ट के 2 या 3 सेकंड लगते हैं, तो जो लोग होते हैं इधर बैठते एकदम खोपचे में इधर बैठते, और जैसा बंदा ऊपर जाता है इधर से ठोकने लगता है। ये जो स्पॉट है भाई, आप लोग मुझे सच्ची बताना, सच्ची, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो पता ही था मैं इधर बैठता, सही बताना कितने लोगों को स्पॉट पता था। स्पॉट तो पता होगा मगर इधर बैठने का सोचा होगा। ये देखो जब भी मैं अंदर जंप करता तो भाई 3 सेकंड का एनिमेशन लेता है वॉल्ट का, तो उसी 3 सेकंड में ये जो बंदा इधर बैठा है आपको भर देगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे वॉल्ट करके ऊपर ही जाने की कोशिश करते हो। तो भाई ये बंदे अगर आप इधर बैठते हो तो आराम से एनिमीज को भर सकते हो। अब जो अगली ट्रिक है भाई, ये आप क्लासिक में यूज़ ना करो तो ही बैठा है, ये ट्रिक में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कुछ मतलब ऐसा फैंसी लाओ, तो ये फैंसी चीज़ है। देखो आप जब इधर ब्रोकन वॉल पे आते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रोकन वॉल के ऊपर चढ़ना है। अब आप जैसे ब्रोकन वॉल के ऊपर चढ़ते हो, आपको जो ये रेलिंग दिख रही है रेलिंग के ऊपर चढ़ जाना है। अब जैसे आप रेलिंग के ऊपर चढ़ते हो, आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा आगे जाना है, और जैसे आप थोड़ा आगे जाते हो आपको यहाँ पर सामने विंडो दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ से जंप लगाना है और लेज ग्रैब के थ्रू इसको कूद लेना। आप सिंपली आप इधर आ सकते हो। भाई ये जो ट्रिक है इसमें कुछ भी नहीं था, मगर आप आपके दोस्तों को ऐसा दिखा सकते हो, जला सकते हो, या फिर भाई देखो ये ट्रिक मैंने एक बार क्लासिक में यूज़ की थी जब बंदे मतलब गहरा टीपीपी ले रहे थे, मतलब बिना हिले टीपीपी ले रहे थे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। भाई मैं रेकमेंड करूँगा ना करो क्योंकि बहुत खतरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपके रूल्स, ओके। अब जो अगली ट्रिक है भाई, ये एक होल्डर के लिए। भाई मैं होल्डर के इतने ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, ये जो स्पॉट्स मैं दिखा रहा हूँ देख लेना, ये जो होल्ड करते हैं स्कूल में उनके लिए मैं होल्डर की टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई हमको एज जाना है, रैंक पुश करना है, प्लीज़ हम कैसे जाए वो बता दो। तो भाई देखो जो स्पॉट्स मैं दिखा रहा हूँ उस स्पॉट्स पे अगर आप बैठोगे और पूरा गेम इधर ही निकालोगे, तो आप आराम से एज जा सकते हो, ठीक है। भाई सबके पास अच्छे डिवाइस नहीं होते और उनका एज जाने का सपना होता है, तो भाई मैं ट्रिक्स दिखा रहा हूँ, आपको नहीं देखनी तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं कोई कैंपर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कैंपर्स अपना काम करेंगे आराम से बैठ के, उनको उंगली मत करो, ठीक है। अब जो अगली ट्रिक है भाई, ये आप हमेशा यूज़ करना, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा गाड़ी को कवर में रखना, ठीक है। अब ये जो गाड़ी आपको सिंपली स्कूल का ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर घुसेड़ देनी है। अब ज़्यादातर लोग गाड़ी को बाहर रखते हैं, लेकिन मैं आपको गाड़ी को अंदर लाने का फ़ायदा बताता हूँ। स्कूल में कितने दरवाजे ऊपर चढ़ने के, कितने एंट्रेंस है, 3 एंट्रेंस है ना, 2 आगे 1 पीछे। भाई आप गाड़ी को इधर रख के गाड़ी फोड़ सकते हो और जो एंट्रेंस है उसे ब्लॉक कर सकते हो। आप ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है ये जो सब ट्रिक्स है। भाई ये कस्टम्स में ज़्यादा वर्क करती है, मतलब जो टीयर कस्टम्स होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी ताकि आप गाड़ी सेव कर सको। तो यही थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स।
तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक और चीज़, आपने एक बात नोटिस की होगी कि भाई मैं पिछली 2-3 वीडियो से क्या करूँ, पहली 6-7 मिनट जो एकदम प्योर टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम की आती है, और आखिरी के जो 3 मिनट है मैं थोड़ा कैंपर्स को प्रमोट कर रहा हूँ ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है यार, मुझे बहुत लोग मैसेज करते भाई हमारे पास डिवाइस नहीं, हमको एज जाने, प्लीज़ कोई अच्छा स्पॉट दिखा दे जहाँ पर हम पूरी गेम बैठ सके, तो मैं उनके लिए बताता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भाई पूरी 10-11-12 मिनट प्योर टिप्स एंड ट्रिक्स डालेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से जगह पे चाहिए प्लीज़ बता देना, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, तो ढूंढने का काम शुरू कर ले। और बस आज का वीडियो यही था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, एंड कौन सी बेस्ट ट्रिक लगी वो भी बता देना। टेक केयर।